बड़ी संख्या में इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं और शामिल होकर जो है हिंदू जन जागरण के लिए यहाँ पर जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। आप देखते हैं कि हजारों की संख्या में इस जो विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हुए हैं और विरोध प्रदर्शन के किस तरह से देखते हैं ये विरोध प्रदर्शन होना, क्या इसका मोटिव है? बेसिकली जो भावना प्रशासन ने और जो उपद्रवी तत्वों ने फैलाई है, ये जो है बेसिकली एक जागरण जन जागरण जिसमें हम हिंदू समाज को जला रहे हैं, कहीं परिस्थितियां बेचैन हो जाए, इसलिए जो है इस जागरण का कार्यक्रम हमने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रामशिला से ठाकुर तक का रखा हुआ। क्या लगता है जिस तरह से मस्जिद जा रही है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसके विवाद मस्जिद विवाद अकेला नहीं है, ये तो हमारा छठा बिंदु है मस्जिद विवाद। उससे पहले जो है इस तरह से नॉन रजिस्टर्ड होकर जो भारी लोग आ रहे हैं, ना तो प्रशासन के पास उनकी सूची है, ना मकान वाले दे पा रहे। सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि रोहिंग्या और हमारे बीच में हजारों की संख्या में आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन के पास कुछ नहीं है। हमारा ये मानना है कि जागरण के माध्यम से आम आदमी साबित हो और प्रशासन के पास सूची दे और कौन कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, विधिवत तरीके से जो रिकॉर्ड रहे। क्या लगता है बड़ा प्रोटेस्ट जिस तरह से बड़ी संख्या में हिंदू देखे जा क्या, क्योंकि हम इसको कश्मीर नहीं बनना देना चाहते, हम इसको आसाम नहीं बनना देना चाहते और ये देवभूमि है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो देवभूमि में स्थानीय प्रतिशत आबादी का जो है सबसे बड़ा अधिकार है। आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में जिस तरह से हिंदू समाज के लोग जो है इस धर्म जागरण जो रैली है इसमें शामिल हुए हैं और यही संदेश दिया जा रहा है कि हिंदू जो है वो एक है और जिस तरह से कहीं ना कहीं इस की बात जो है वो कही जा रही है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये रामशिला से लेकर ढालपुर तक होगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो इस एरिया में जो है धारा 163 VNSSP लगाई गई है, कहीं ना कहीं इस तरह से बड़ी संख्या में जो ये जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में जो है ये यही चाह रहे हैं कि इस रैली के माध्यम से जो है हिंदू जन जागरण की बात जो है वो कही जा रही है। हालांकि ये जो प्रोटेस्ट है ये यहाँ से लेकर ढालपुर तक चलेगा जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग है वो शामिल हुए हैं। न्यूज 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती।